और इस वक्त अगर पार्लियामेंट हाउस की बात करें तो तारिक बशीर चीमा पार्लियामेंट हाउस में पहुंच चुके हैं। काफ लीग के वो रहनुमा जिन्होंने ये कहा था कि मैं मर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान छोड़ जाऊंगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हक में वोट नहीं दूंगा, अलग ऐलान इन्होंने ये कहा था। और अब वो पार्लियामेंट हाउस में पहुँच चुके हैं, अपोजिशन का साथ देने का उनका ये कहा था। उन्होंने अपनी काबीना से इस्तीफा भी दे दिया था, उन्होंने कैबिनेट भी छोड़ दी थी और उन्होंने कहा था कि मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा। काफ लीग के ये मुनहरिफ रुकन है और अब इस वक्त वो अंदर मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के अंदर इस सेशन को अटेंड करने के लिए। इनका वोट भी जो है वो बड़ा ज़रूरी है। काफ लीग के अंदर जो तब्दीलियां हुई हैं उसके मुताबिक अब ये तारिक बशीर चीमा जो कि मुनहरिफ रुकन बन चुके हैं काफ लीग के नेशनल असम्बली के अंदर, ये तालियों की गूंज आप सुन सकते हैं। ये अपोजिशन अरकान ने डेस्क बजाकर तारिक बशीर चीमा का इस्तकबाल किया है और वो जाकर अपोजिशन के बेंचेस पर बैठ गए हैं। दूसरी जानब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि शायद चौधरी सालिक हुसैन भी अपोजिशन की हिमायत करें आज के रोज़। फिलहाल ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा पार्लियामेंट हाउस पहुँचे जहाँ उनका इस्तकबाल हुआ। दूसरी जानब मुतहदा अपोजिशन के 176 अरकान पार्लियामेंट में मौजूद हैं, पार्लियामेंट में पहुँच चुके हैं।